नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पेप्सी, कोक और बिस्लेरी की कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। भारी नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि लगभग इन तीनों कंपनियों पर 72 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना लगाया है सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इन तीनों बड़ी कंपनियों पर यह आरोप लगा है कि इन्होंने सरकारी बॉडीज को इस बात का डेटा नहीं दिया कि इनकी कंपनी में से कितना कचरा निकला। आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, चाहे आप पेप्सी ले लीजिए, कोक ले लीजिए, आप बिस्लेरी की बॉटल ले लीजिए, ये प्लास्टिक का पूरा मटेरियल है। तो जाहिर तौर पर इसका जो पूरा डिस्पोजल होता है, कितना ज्यादा इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, कितना ज्यादा बिकता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है और कितना इसका कचरा निकलता है, सबका पूरा डेटा कंपनी को सीपीसीबी को देना होता है। सरकारी बॉडी है, इसको देना होता है। लेकिन चूंकि इन तीनों ही कंपनियों ने ये कह लीजिए कि सावधानी नहीं बरती और बहुत गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर दिखाया, इसी वजह से इन्होंने ये पूरा डेटा सरकारी संस्थान को नहीं सौंपा और इसीलिए सीपीसीबी ने इन तीनों ही कंपनियों पर कुल मिलाकर 72 करोड़ का जुर्माना लगाया है। 15 दिन का इनको वक्त दिया गया है, 15 दिन के अंदर इनको ये 72 करोड़ रुपए जमा करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिस्लेरी पर 10.75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, पेप्सी को इंडिया पर 8.7 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है और अगर कोका कोला बिवरेज की बात करें तो उस पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगा है और यह है 50.66 करोड़। यानी कि इससे यह भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा बिक्री अगर किसी बिवरेज की होती है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक की होती है, तो वो कोका कोला की होती है और यही वजह है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, इसका कचरा ज्यादा निकलता है, प्लास्टिक ज्यादा होता है और उसी के हिसाब से ये पूरा जुर्माना लगाया गया है। प्लास्टिक कचरों के मामलों में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ईपीआर एक पॉलिसी पैमाना है जिसके आधार पर प्लास्टिक का निर्माण करने वाली कंपनी को प्रोडक्ट के डिस्पोजल की जिम्मेदारी भी लेनी होती है और फिर आपको इसका पूरा डेटा इस ये सीपीसीबी को भी देना होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको कार्रवाई भुगतनी पड़ती है, जो कि अब इन कंपनियों के साथ हुआ है। बता दें आपको, चाहे पेप्सी हो, चाहे फिर कोका कोला हो, ये तो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और बिस्लेरी पानी की बॉटल है। वैसे आपको ये पता ही होगा, मुझे उम्मीद है। आपको ये भी बता दें, कोका कोला के पास 4,417 टन प्लास्टिक कचरा था, इस पर 5,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से ये पूरा जुर्माना लगाया गया है। ये कचरा जनवरी से सितंबर 2020 के आसपास का है, इसका डेटा सरकारी संस्थान को नहीं मिला, इसीलिए ये पूरा जुर्माना लगाया गया है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है सीपीसीबी की तरफ से और जाहिर तौर पर प्लास्टिक से नुकसान तो एनवायरमेंट को होता ही है, इसका डेटा पहुंचाना संस्कारी संस्थानों में बहुत जरूरी है ताकि वो ये आंकलन कर सकें कि कितना और किस हद तक एनवायरमेंट को इससे नुकसान हो रहा है, फिर उससे बचा जा सके और भी तमाम चीजें होती हैं, पूरा एक प्रोसीजर होता है। लेकिन प्रोसीजर की शुरुआत में ही कंपनियों ने घोटाला किया है तो फिर जुर्माना तो भरना पड़ेगा ही। आप बताइए इस खबर को किस तरह से देखते हैं।